नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्य रेखा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो इंसान के भाग्य को बिल्कुल ऊंचाइयों तक ले जाती है। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन जरूर क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं मुख्य रेखाएं। ये है हृदय रेखा, ये है जीवन रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ जीवन रेखा से हो, इस तरह से निकलते हुए सूर्य पर्वत की ओर जाए, जैसा कि आपको सबको पता है ये सूर्य रेखा या सूर्य का पर्वत माना जाता है इसे, तो जब कोई भी रेखा जीवन रेखा से निकलते हुए सूर्य पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने स्वयं के प्रयासों से सफलता प्राप्त करता है। मतलब यह खुद अपनी कोशिश से, अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। ऐसे लोग अच्छे एक्टर, अच्छे अभिनेता, अच्छे आर्टिस्ट और कुछ हद तक आप समझ लीजिए कि बहुत ही फेमस बिजनेसमैन भी होते हैं। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ चंद्र पर्वत से होते हुए सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति जो है किसी बाहरी अथवा बाहरी स्त्री द्वारा लाभ प्राप्त करता है या उनके सहयोग के द्वारा फेमस होता है। हालांकि सूर्य रेखा दूसरे भाग्य रेखा की तरह ही काम करती है। भाग्य रेखा के साथ यह सहयोग या समझ लीजिए भाग्य रेखा के बुरे प्रभावों को यह बहुत ही कम कर देती है और सूर्य रेखा एक तरह से इंसान को काफी फेम भी देती है। इसी तरह यहाँ पे अगर मणिबंध है, सूर्य रेखा का प्रारंभ मणिबंध से होते हुए बिल्कुल सीधी जाकर सूर्य पर्वत पे बने तो ऐसा व्यक्ति जो है विश्व विख्यात होता है। मतलब विश्व व्यापी सफलता प्राप्त करता है। ये पूरी दुनिया में अपना एक ऐसा नाम छोड़ जाते हैं कि समझ लीजिए कि एक लेजेंड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। लेजेंड वो होता है जो अपने कर्मों द्वारा अपना नाम, अपनी इज्जत और अपना सम्मान बढ़ाता है। कुछ नोबल विजेता लोगों के हाथ में ये रेखा देखी गई है। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ आक्रामक मंगल से हो, मतलब अंदरूनी मंगल से इस तरह से सूर्य रेखा जाए तो व्यक्ति को डिफेंस रिलेटेड कामों में काफी सफलता मिलती है। मतलब ऐसे लोग जो है शारीरिक परिश्रम या शारीरिक जोर से अपना जो है अस्तित्व बनाते हैं और अपना जो सफलता या सफलता का मार्ग बनाते हैं। ऐसे लोग जैसा कि मैंने कहा डिफेंस रिलेटेड कामों में ज्यादा सफल होते हैं। इसी प्रकार यदि सकारात्मक मंगल से सूर्य की ओर कोई रेखा जाए तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति राजनीति में अथवा समाज सेवा में काफी ख्याति अर्जन करता है। मतलब कि ऐसे लोग समाज सुधारक या समाज सेवा करने में काफी अग्रसर होते हैं, साथ ही साथ ये राजनीति में भी काफी सफल होते हैं। इतना ही नहीं, यह रेखा एक तरह से समझ लीजिए कि जमीन जायदाद को देने वाला भी होता है। ऐसे लोगों के हाथ में, जिसके हाथ में इस तरह की रेखाएं होती हैं, वो लोगों के पास बहुत सारा भूमि होता है। मतलब कि बहुत सारा जमीन ये अपने नाम पे कर पाते हैं जो कि अगली पीढ़ी बहुत ही आराम से इनके इस कमाए हुए धन को खा कर नष्ट करती है या वो भी बढ़ा सके तो बढ़ा सकती हैं। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ मस्तिष्क रेखा से होते हुए सूर्य पर्वत तक जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि और कौशल से काफी ऊंचाइयों तक जाता है और ऐसा व्यक्ति काफी सफल व्यवसायिक देखे गए हैं। मतलब कि ऐसे व्यवसायिक लोग होते हैं जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा से सूर्य रेखा का प्रारंभ होता है। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ हृदय रेखा से आरंभ हो और सूर्य पर्वत तक जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रेम में सफलता प्राप्त करता है, साथ ही साथ विवाह के बाद ये काफी ख्याति अर्जन करते हैं या विवाह के बाद उनके ससुराल के लोगों के द्वारा या उनके ससुराल के प्रयासों के द्वारा ऐसे लोगों को ख्याति और सफलता मिलती है।
इसी प्रकार अगर इस तरह का भाग्य रेखा बना हो और भाग्य रेखा से सूर्य रेखा का प्रारंभ इस तरह से होता हो तो व्यक्ति को इस उम्र में अचानक से प्रसिद्धि मिलती है। मतलब कि कहते नहीं है कि अगर हम रात को सोए तो अगले दिन बिल्कुल फेमस हो गए, कुछ इस तरह के अचानक से प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे लोग अचानक से अपने जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन देखते हैं जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी या उम्मीद ही नहीं की होगी अपने लाइफ से। ऐसे व्यक्ति जो है एक सफल व्यापारी और ललित कलाओं में या किसी भी फाइन आर्ट्स कामों में काफी ख्याति अर्जन करते हैं। यदि सूर्य रेखा का प्रारंभ शुक्र के पर्वत से होते हुए सूर्य पर्वत की ओर जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है सफल अभिनेता बनता है या कला के क्षेत्र में बहुत बहुत अच्छा नाम करता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट, चाहे वो पेंटर हो या सिंगर्स हो या अभिनेता हो या रंगमंच के कोई भी ऐसे व्यक्ति जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में काफी अच्छा जो है अपना नाम स्थापित कर चुके हैं, उनके हाथ में इस तरह की सूर्य रेखा देखी गई है। यदि सूर्य रेखा सूर्य पर्वत में ही उदित होकर ऊपर की ओर उठ रही हो, मतलब इसका उद्भव स्थल ही सूर्य पर्वत हो और इसका अंतिम स्थल भी सूर्य पर्वत ही हो, तो ऐसे व्यक्ति को 55 साल की उम्र में जाकर ख्याति मिलती है। 55 साल की उम्र में जाकर अचानक ऐसे व्यक्ति जो है एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा सा वीडियो जिसमें सूर्य रेखा के ऊपर मैंने बताया। और भी बहुत सारी स्थितियां बनती हैं सूर्य रेखा के ऊपर, उस विषय में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, तो आप जरूर देखते रहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।